मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यू ऑफ 12th क्लास। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पे एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक, जो बच्चे नए हैं उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि पिछला जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। जिन बच्चों ने नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाइए उस टेस्ट को दीजिए पॉलिटिकल साइंस का, आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप हिस्ट्री का टेस्ट जरूर दे दीजिए। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी ही जो एमसीक्यू की आपकी तैयारी करवाई जाएगी, आज फर्स्ट कल सेकंड चैप्टर, ऐसे से इस हिसाब से चीजें चलेंगी। और लास्ट में पेपर से 2-3 दिन पहले मैं एक सैंपल पेपर बताऊंगा जिसमें 60 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मतलब किस पैटर्न के हिसाब से आएगा, वो सारा चीज मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना, एक चीज खुशखबरी ये और बता दूं मैं आपको कि जैसे पिछले वीडियो में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा था, लेकिन इस बार इस वीडियो में आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, आपको आंसर मतलब ऑप्शन आपको गिवन किए जाएंगे, उसके बाद आपको सही आंसर बताने हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन ये है, ए कनिंघम ने, बी जॉन मार्शल ने, सी दयाराम साहनी ने, और डी राखल दास बनर्जी ने। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो अब। गाइस टाइम ओवर हो चुका है। अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा दयाराम साहनी ने। आपको पता है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की थी। डेट वगैरह सारा चीज याद है ना, आगे चल के यही सारे क्वेश्चन रिपीटेड होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध स्थल का नाम था, क्या नाम था? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कौन सा था? आपका जो टाइम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। टाइम आउट हो चुका है गाइस, तो एक चीज मैं और बताना चाहता हूं। ठीक है कि इसका आंसर तो मैं बता रहा हूँ, बशर्ते एक चीज और मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे जो बच्चे फटाक से आंसर नहीं दे सकते, उनके लिए वीडियो पॉज करके तब आप आंसर दे दीजिए, कोई जरूरी नहीं है आप 15 सेकंड में ही दीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा, 1 मिनट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने के लिए तो आप स्टॉप भी करके आप दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग दो, लेकिन जो चीज आप बता रहे हो थोड़ा सा सोच लो, समझ लो, फिर जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि चीजें सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध जो स्थल का नाम था वो था मोहनजोदड़ो, क्योंकि आपको पता है मोहनजोदड़ो सबसे फेमस था हड़प्पा में, ये दो ही तो केंद्र थे, एक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, इस वजह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है, यानी कि टाइम पीरियड क्या माना जाता है? तो देखिए ऑप्शन गिवन है आपके सामने, ये 2600 BC to 1800 BC, सी ऑप्शन है 2500 BC to 1900 BC, और डी ऑप्शन है 2600 BC to 1800 BC। फटाक से आप आंसर बताएं, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। टाइम आपका ओवर हो चुका है। इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर 1 A। ठीक है, आंसर नंबर A इसका सही ऑप्शन होगा, बिकॉज A है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व, इसको 2600 BC से लेकर इसको बोलते हैं 1900 BC तक। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? ठीक है, क्या चीज है मुख्य स्रोत? तो देखिए आपके सामने आंसर गिवन है, ए धातु के बर्तन, बी स्थापत्य कला, सी खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष, और डी है धार्मिक ग्रंथ।
कौन सी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो फटाक से आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष, यानी कि जो भी खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए थे जिसके बारे में हड़प्पा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है ना, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और फिर आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? ऑप्शन गिवन है आपके ये सिंधु नदी, रावी नदी, व्यास नदी और गंगा नदी। फटाक से आंसर बताइए, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है अब। इसका जो सही आंसर होगा, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है वो बिल्कुल ही राइट है, क्योंकि रावी नदी जो है रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सिंधु नदी, तो यहाँ पे देखो सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके बगल में है। लेकिन तट की अगर बात करो तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पाई मुहर किस पत्थर की बनाई जाती थी? तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है ये, चर्ट, बी कार्लिनियन, सी सेल खड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। गाइस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि सेल खड़ी। ठीक है, समझ में आ गई चीजें, यानी कि सेल खड़ी जो थी उसके द्वारा हड़प्पाई मोहर को बनाई जाती है, हड़प्पाई मोहर बनाई जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन, नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ऑप्शन गिवन है आपके सामने ये, ए अफगानिस्तान में सोतुघई, बी गुजरात के लोथल, सी पाकिस्तान के चहुंदड़ो और डी है हरियाणा के बनावली। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर ए होगा, अफगानिस्तान में सोतुघई में नहरों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वें नंबर के क्वेश्चन, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है गुजरात के लोथल, बी है राजस्थान के कालीबंगन, सी है पाकिस्तान के चौंदड़ो और डी है हरियाणा के बनावली। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि हरियाणा के बनावली में जूते हुए साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी? अनूठी का मतलब होता है सबसे विशिष्ट, ठीक है, अच्छी विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन आपके सामने गिवन ये, कृषि, जल निकासी प्रणाली, पूजा पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाक से आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जल निकासी प्रणाली। हालांकि वहां पे कृषि भी होती थी, पूजा पद्धति भी होती थी, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, अनूठी यानी कि सबसे अच्छी विशेषता क्या थी, तो वो थी जल निकासी प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे, मतलब कितने कुएं थे? ठीक है, ऑप्शन गिवन है आपके सामने ये, 500, 700, 600 और 800। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब।
टाइगर गाइस, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 700 कुएं लगभग पाए गए थे। ठीक है, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो थे, मोहनजोदड़ो में लगभग 700 के आसपास कुएं पाए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी। ठीक है, आपको हड़प्पा सभ्यता का पता है, मोहनजोदड़ो का पता है, लेकिन जॉन मार्शल ने जो इन जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थे इसको विश्व के सामने कब घोषणा की। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने गिवन, ये 1924, 1923, 1922, 1921। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। अब गाइस, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी की सभ्यता को घोषणा की थी। ठीक है, बातें समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, कौन थे पहले डायरेक्टर जनरल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन गिवन आपके सामने, ये जॉन मार्शल, बी कनिंगम, सी आई एम व्हीलर एंड डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, क्योंकि कनिंगम जो थे ये पहले डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता को खोजने का प्रयास तो किया, तो प्रयास तो बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि देखिए उनको एक सिक्का मिला था, अंग्रेजों ने उनको एक सिक्का दिया था और ये अनुमान लगाने के लिए बोला था कनिंगम को कि आप बताइए कि ये कितने टाइम पुराना हो सकता है, बट वो उस चीज को समझने में चूक कर गए, उन्होंने बोला कि ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता को जानने में कनिंगम चूक गए थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर की, तो ये सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, बातें समझ में आ गई, आगे बात करते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, वो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी, क्या थी। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये यह दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, बी यह बाई से दाई ओर लिखी जाती थी, और इसके अलावा सी ऑप्शन है, ये नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती थी, डी ऑप्शन है, ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी। फटाक से आंसर बताइए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। गाइस, इसका जो सही आंसर होगा, इसका यह दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, इस लिपि की ये मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, क्या था। तो देखिए मोहनजोदड़ो, चोहुंदड़ो, सी ऑप्शन है हड़प्पा, और डी ऑप्शन है कालीबंगन। फटाक से बताइए आंसर, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चहुंदड़ो, यानी कि बी शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, कब हुई थी। तो 1919 में, 1920, 1921 और 1922। फटाक से आंसर बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका अब। इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा पुरस्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन गिवन आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा जो है महाराष्ट्र में स्थित है, कि दिल्ली में स्थित है, कि पंजाब में स्थित है, कि राजस्थान में स्थित है। आपका जो समय स्टार्ट होता वो अब।
गाइस, इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, यानी कि राजस्थान जो है वो है हड़प्पा पुरास्थल कालीबंगन का, मतलब कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। तो ये चीज समझ में आएगी। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन है मोहन जोदड़ो का अर्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है मोहन जोदड़ो का अर्थ। अभी 11th क्लास में थे तो आपने मेसोपोटामिया का अर्थ देखा था, लेकिन अब मोहन जोदड़ो का अर्थ बताइए। आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ये ऐतिहासिक टीला, मुर्दों का टीला, मिट्टी का टीला या पुराना टीला, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फटाक से बताइए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी कि मुर्दों का टीला बोला जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, बातें समझ में आ गई। मुर्दों का टीला बोला जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों द्वारा सबसे पहली फसल को उगाना शुरू किया था, मतलब कौन सी ऐसी फसल थी जिसने हड़प्पा ने सबसे पहले उगाना स्टार्ट किया था। ऑप्शन की बहन आपके सामने, ये गेहूं, मक्का, कपास, चावल। फटाक से आंसर बताइए। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। और गाइस, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास को हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले उगाना स्टार्ट किया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, यानी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? फटाक से बताइए आंसर। ऑप्शन गिवन आपके सामने, ये दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, कनिंगम या जॉन मार्शल। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राखल दास बनर्जी। तो आपको बताया मोहनजोदड़ो की किसने की थी, दयाराम साहनी ने, और हड़प्पा की किसने की थी, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। और 1924 में जो जॉन मार्शल थे उन्होंने इस चीज को दुनिया के सामने पेश किया था, सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया के सामने पेश किया था। तो इस तरीके से ये होता है, इसी में से आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन कहलाता है? यहाँ पे देखिए एक वर्ड मिस्टेक है, पुरातत्व लिखा हुआ है। ठीक है, तो फटाक से आप बताइए इसका। ऑप्शन ये है, पहला है कनिंगम, बी है जॉन मार्शल, सी है राखल दास बनर्जी, और डी है दयाराम साहनी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और बता दो, तो भारतीय पुरातत्व का जनक कौन कहलाता है, इनमें से कौन कहलाता है? फटाक से बताइए। आपका जो समय स्टार्ट होता है वो अब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कनिंगम, क्योंकि आपको पता है कनिंगम सबसे पहले डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातत्व के, तो यही तो जनक हुए है ना। तो इस तरीके से तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, सड़कें और नालियां कौन सी पद्धति से बनाई जाती थी? एक चीज मैं बता दूं, इसका मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, इसका ऑप्शन इसका जो आंसर है एग्जैक्ट आंसर आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हड़प्पा और नालियां कौन सी पद्धति से बनाई जाती थी। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज तो मैंने पढ़ाया है, वीडियो में सारी चीज मैंने क्लियर करवाया है, तो फटाक से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि क्या चीज है। इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, फटाक से आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सड़कें और नालियां कौन सी पद्धति से बनाई जाती थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 21 जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सारा चीज मैंने डिस्कशन कर दिया है। आई होप आप सबने वीडियो एंजॉय की होगी, अच्छे से आपने बताया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि आपके कुल क्वेश्चन कितने सही हुए। ठीक है, क्योंकि आप लोग दे रहे हो तो उसमें आंसर भी दिया जा रहा है, सब चीज दिया जा रहा है, तो आप खुद मुझे बताओ कि टोटल कुल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और जितने भी सही हुए हैं एग्जैक्ट जो नंबर है
वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि 21 में मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। काफी अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे कर रहे हैं, काफी अच्छे मार्क्स भी गेन कर रहे हैं, 20 नंबर, 21 नंबर, कुछ बच्चों के 21 नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 20 नंबर, 19 नंबर, इस हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसी तरीके से आप बेहतरीन तैयारी करते रहिए, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर आपको करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर पाए इस जो कंपटीशन, जो आपका एमसीक्यू टेस्ट हो रहा है, उन चीजों में, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। बाकी वीडियो कैसी लगी है फटाक से लाइक करके बताइए। इसके अलावा अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, बाकी शेयर करते रहिए, इतनी सारी मेहनत की जाती है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग हमारा एक मनोबल बढ़ा सके और हम आपके स्टडी को और बेहतर बना सके। ठीक है, तो अगला जो टेस्ट होगा आपको सारा चीज बता दिया जाएगा कि किस हिसाब से क्या होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप खुद मेरे से पूछ सकते हो कि सर अगला जो टेस्ट है वो कब है। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन में देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।